करेंगे, हम इंक्यूबेट करेंगे अपने इस सैंपल को। तो आइए इंक्यूबेटर के अंदर करते हैं प्लीज़। ये हमारा इंक्यूबेटर है, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी। और दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, बहुत ही अलग और यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक सीक्रेट की बात बताऊं, आज एक सीक्रेट वाली बात बताने जा रहा हूं। चलो रहने दीजिए, सीक्रेट छोड़ो, आप मेरी जो वीडियो है ना, इसको देखना। इसमें मैंने और भी बेहतरीन तरीके से जो मेरा टॉपिक है उसको इतनी अच्छी तरीके से एडिटिंग कर और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ, आप लोगों के दिमाग में मेरा सीक्रेट होगा कि मैंने ऐसे बोला क्यों, क्या सीक्रेट था। चलो ठीक है, मैं शेयर कर ही देता हूँ मेरा क्या सीक्रेट था आज का। सीक्रेट ये है कि जो आपको ये मेरा आई बटन दिख रहा है ना, इसमें मेरी वो वीडियो पड़ी हुई है, आप उस वीडियो पे क्लिक करके देखना। हेल्थ केयर के इतने बड़े यूट्यूबर, उन्होंने मेरी इस वीडियो पे कमेंट कर मुझे अप्रिसिएट किया है। भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा भी न्यू चैनल स्टार्ट हुआ है और उस पर इतने बड़े यूट्यूबर कमेंट करके अप्रिसिएट कर रहे हैं, मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है। और अगर आप लोग भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर प्रेस करके उस पे उस वीडियो को देख के इंजॉय करें। और इसी के साथ में शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो मेरे एक दो टॉपिक हैं उनमें मैंने बोला था कि आगे जो आने वाली मेरी वीडियोस होंगी उनमें मैं एक्सपेरिमेंट बाय प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा। जो आज का मेरा टॉपिक है वो रेटिकुलोसाइट्स काउंट है। तो आज मैं सारा प्रोसीजर आपको कम्प्लीटली, कैसे प्रिपेयर करते हैं स्लाइड को, कैसे माइक्रोस्कोपी करते हैं, कैसे उसमें उसके डायग्नोस किया जाता है और कैसे रिजल्ट दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। आइए इसी के साथ में शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हमें अपनी रेटिकुलोसाइट्स काउंट जो स्टैनिंग है, जो हमारी स्लाइड है, वो प्रिपेयर करने के लिए जो हमें सामान की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें क्या 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 जो नेसेसरी सामान होता है, क्या ज़रूरत होती है, आइए हम आपको पहले दिखा देते हैं वो सारी चीज़। सबसे पहले हमें एकदम नीट एंड क्लीन हमारे पास में माइक्रो टिप्स होनी चाहिए। ये 100 माइक्रो लीटर की पीपेट है। अगर आपका जो डाइल्यूशन होगा वो 1:1 का होना चाहिए, आप उसमें 50 माइक्रोलीटर ब्लड और ये आपका जो रेटिकुलोसाइट काउंटिंग फ्लूड है, दोनों 50-50 माइक्रोलीटर भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। उतने हिसाब से फिर हम उसमें टाइमिंग दे देते हैं इंक्यूबेशन टाइम की। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 100 माइक्रोलीटर। तो हमारे पास में पीपेट है 100 माइक्रोलीटर की, और माइक्रो टिप मैंने आपको बता दिया। एक हमारे पास में एलिक्विट होगी जिसमें हम अपना सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद हमारे पास में है रेटिकुलोसाइट काउंटिंग फ्लूड। देन हमें एक ग्लास स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जिसपे हम अपनी स्मेयर ड्रॉ करेंगे। एक हमारे पास में मार्कर भी होना चाहिए जिससे हम अपने इस पर लेबलिंग करते हैं। तो हमें फ़िलहाल हमारे पास में सिर्फ इतने ही सामान की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं पूरा प्रैक्टिकल करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, लेबल करेंगे अपने एलिक्यूट को। पेशेंट का जो भी नाम होगा वो हम उस पर लेबल कर देंगे। इसी के साथ में दोस्तों, हमें इसमें टाइमिंग भी डालनी होती है, क्योंकि हमें हाफ एन आवर के लिए रखना है। तो अभी जो टाइम है हमारा 2:25 हुआ है, तो वो भी हमें ड्रॉ करना है। देन हमको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा ब्लड सैंपल होगा इसको हम प्रॉपर तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 100 माइक्रोलीटर ये हम फ्रेश ले लेते हैं। इसमें हमने 100 माइक्रोलीटर हमने इसमें इसको ड्रॉ कर लिया है। देन इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हमने 100 माइक्रोलीटर ब्लड लिया है और 100 माइक्रोलीटर ही हमें रेटिकुलोसाइट्स काउंटिंग फ्लूड भी लेना होता है।
इक्वल अमाउंट में 1:1 के रेशो से हम डाइल्यूशन अपना, और इसको प्रॉपर तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद देखिए दोस्तों, अब हमारा सॉल्यूशन तो प्रिपेयर हो चुका है। अब हमें करना क्या है, अभी ये पूरी तरह से स्लाइड बनने के लिए रेडी नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, अब हम इसको हाफ एन आवर आधे घंटे के लिए इसको इंक्यूबेटर के अंदर प्लेस करेंगे, यानी कि वेट करेंगे, हम इंक्यूबेट करेंगे अपने इस सैंपल को। तो आइए इंक्यूबेटर के अंदर करते हैं प्लेस। ये हमारा इंक्यूबेटर है, हमने इंक्यूबेटर के अंदर अपना सैंपल लग दिया है, और अब वेट करते हैं आधे घंटे का। जैसे कि दोस्तों पूरा आधा घंटा हो गया है, हमने 225 पे हमने इंक्यूबेटर के अंदर अपना जो सॉल्यूशन था वो रखा था, और अब इस टाइम पूरा आधा घंटा हो गया, यानी कि 255 हो रहे हैं। तो आइए अब हम निकालते हैं और अपनी स्मेल प्रिपेयर करते हैं। ये हमारी सॉल्यूशन है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए अब हमें फ्रेश माइक्रो टिप लेने की ज़रूरत नहीं है, बस 100 माइक्रोलीटर या कोई भी आप पिपेट लेके उसमें स्मॉल क्वांटिटी में इसमें हम ये ले लेंगे, और एक स्मॉल ड्रॉप इसके ऊपर जो हमारी ग्लास स्लाइड होगी उस पर प्लेस करेंगे। देन क्या करना होगा, हमारे पास में जो हमारा स्प्रेडर होता है ये एकदम हमारा स्क्रेच लेस होना चाहिए, ताकि हमारी जो स्मेयर होती है वो एकदम टंग शेप में और बेहतरीन तरीके से बने, और ताकि माइक्रोस्कोप भी अच्छी तरीके से हो। तो आइए हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जो हमारा 30-40 डिग्री एंगल होना चाहिए उस पर हम इसको बनाते हैं। हालांकि दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि रेटिक के उसमें कि टंग सेफ ही हो आपकी, ऐसा नहीं है, उसमें भी रिपोर्टिंग हो जाती है। वो तो प्लेटलेट्स या मलेरिया या और भी जो हमारी ब्लड पिक्चर्स होती हैं उनके केस में हम ऐसा करते हैं। हमारी जो ये स्लाइड है ये भी एकदम सफिशिएंट स्लाइड है, और अब हम क्या करते हैं, अब हम माइक्रोस्कोपी से आपको आगे का जो प्रोसीजर होता है, जो यहाँ तक टेक्नीशियन का काम होता है एक स्लाइड को प्रिपेयर करने का, अब जो काम है वो डॉक्टर का। अब हम आपको इंटरनल जो इसमें माइक्रोस्कोपी करते हैं उसके आगे की जो पिक्चर्स होते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसको लेबल और कर लेते हैं, हमारे पेशेंट का नाम है। देखिए दोस्तों, पहले हम माइक्रोस्कोपी करने से पहले क्या है कि हमको अपनी ये ड्राई करनी है, क्योंकि जो ड्राई किए बिना हम इसको माइक्रोस्कोपी नहीं कर सकते, स्मेयर बेकार हो जाएगी। दोस्तों जैसे कि हमारी जो स्मेयर है, जो हमने स्मेयर ड्रॉ की है, वो हमारी एकदम ड्राई हो चुकी है, ये इस टाइम पूरी रेडी है माइक्रोस्कोपी के लिए। तो चलिए अब करते हैं हम माइक्रोस्कोपी। देखो दोस्तों, माइक्रोस्कोपी करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें 100 एक्स पे रेटिकुलोसाइट्स काउंट जो है वो उसको देखना होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारा जो पैराफिन ऑयल या इमर्सन ऑयल होता है, हम उसकी 1 ड्रॉप जो स्मेयर का जो लास्ट पोर्शन होता है उस पर हम 1 ड्रॉप डालते हैं। देन उसके बाद इसको सेट करेंगे 100 एक्स पे। और इसके बाद की जाती है माइक्रोस्कोपी। जैसे कि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देखा प्रैक्टिकली कैसे एक रेटिक स्लाइड को प्रिपेयर करते हैं हम, और अब हम जानेंगे कि ये माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसी दिखाई पड़ती है। तो आइए हम आपको इन इमेजेस में दिखाते हैं कि कितनी क्लियरली आप रेटिकुलोसाइट्स को देख सकते हैं। और दोस्तों ये इनकी स्ट्रक्चर होती है माइक्रोस्कोप से देखने पर, ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें ब्लू डार्क ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रही हैं ये रेटिकुलोसाइट्स काउंट होती है। और हम आपको इनको जूमिंग करके आपको सिंगल सेल को भी इसकी स्ट्रक्चर को आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये जो होती है ये एक रेटिकुलोसाइट
है जिसको हम आपको माइक्रोस्कोपी के थ्रू दिखा रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ये रेटिकुलोसाइट्स काउंट टेस्ट है क्या। दोस्तों ब्लड में रेटिकुलोसाइट्स की काउंट को ही काउंट करना एक रेटिकुलोसाइट्स काउंट टेस्ट की मदद से ही किया जाता है, तो इसी को हम रेटिकुलोसाइट्स काउंट टेस्ट बोलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं रेटिकुलोसाइट्स है क्या एक्चुअल में। रेटिकुलोसाइट्स इमेच्योर आरबीसी या अविकसित आरबीसी ही होती हैं दोस्तों, जो कि मैच्योर होने की पोजीशन में होती हैं। इमेच्योर आरबीसी या रेटिकुलोसाइट्स हड्डियों के अंदर बोन मैरो में बनाई जाती हैं और ब्लड में स्रावित कर दी जाती है। दोस्तों रेटिकुलोसाइट्स ब्लड में 2 दिनों तक रहती हैं, इसके बाद ये आरबीसी की फॉर्म में मैच्योर हो जाती हैं। अब हम दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आपको सीधा इसका फॉर्मूला बताते हैं कि रेटिकुलोसाइट्स हम निकालते कैसे, किस फॉर्मूले से इसको निकाला जाता है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है फॉर्मूला ऑफ रेटिक काउंट। रेटिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेटिक, जो कि हम 1000 आरबीसीज को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और डिवाइड कर देते हैं 1000 से। दोस्तों अगर मैं इस फॉर्मूले को अभी पूरा डिफाइन करूंगा तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और इस वीडियो में मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि मैं इस फॉर्मूले के ऊपर आगे आने वाली वीडियो में मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा ताकि मैं अच्छे से पूरा डिफाइन कर सकूँ इस फॉर्मूले को कैसे फिट करते हैं और कैसे हम रेटिक निकालते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नॉर्मल वैल्यू की। देखो दोस्तों एडल्ट्स में जो रेटिक की नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 0.5% से 2% तक, परसेंट इसकी यूनिट होती है। और न्यूबॉर्न बेबी जो होती है उनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो थोड़ा अलग होती है, वो होती है 3% से 6% तक।